देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो जाएगा शिवानी, शिवानी कुछ करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ, ऐसे वक्त पर ऐसी बातें नहीं करते, माँ आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। दादी, माँ, आप दोनों जरा बाहर जा सकते हैं प्लीज? ठीक है, ठीक है। आप दोनों बाहर क्यों आ गए? शिवानी ने हमें बाहर आने के लिए कहा है बेटा। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, संभालिए। हे महादेव, अपने प्यार को बचाने के लिए आपने जो वरदान दिया है उसका इस्तेमाल मैं इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए मेरी खुशी से ज्यादा त्रिशूल की खुशी मायने रखती है। इस जान को बचा लीजिए, माँ और बच्चे दोनों को बचा लीजिए। ये कैसे हो गया बेटा? अब तक इसे इतना दर्द हो रहा था और ये अचानक से सो गई। तुमने कैसे किया ये? आप इन सारी बातों की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। अब आप अपना काम कीजिए। हे भगवान, माँ और बच्चा दोनों को बचा लीजिए भगवान, हम पे कृपा कीजिए प्लीज भगवान, प्लीज 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 प्लीज। मालिक, लक्ष्मी आई है आपके यहाँ। माँ और बच्ची दोनों ही ठीक हैं। त्रिशूल, शिवानी, तुम जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? शिवानी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, खुशखबरी ही देना। कांग्रेचुलेशंस त्रिशूल, तुम भैया बन गए हो। तुम सच कह रहे हो शिवानी, मैं भाई बन गया हूँ। एक छोटी बहन हुई है। लड़की हुई है मेरी बहन। माँ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल, त्रिशूल। हाँ, माँ और बच्चा अब जाओ, मिल लो उनसे।
माँ तुम ठीक हो ना माँ? मैं बहुत डर गया था माँ, ठीक हो ना? मेरे लिए यही काफी है, मैं बहन से बात करके आता हूँ। ठीक है। पिताजी, पिताजी मेरी बहन देखिए। माँ से बहुत बातें कर ली तुमने, अपनी बहन से बात कर लो। तुम्हारी बहन है। चोर हो रही हो, मैं आ गया हूँ ना, आओ। मैं यहाँ मेरे पोते से मिलने आई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। हे भगवान, आखिर अब कोई बहन तो मेरी बात मानेगी। भैया सो बैड, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानती? दादी देखो ना भैया क्या कह रहे हैं। भाई है ना, कान खींच रहा है, तुम भी नरीना। शिवानी, थैंक यू सो मच शिवानी। माँ और बच्ची दोनों ठीक है शिवानी, ये सब उसकी कृपा है या तुम्हारी कृपा है नहीं पता मुझे, लेकिन आखिर तुमने उन दोनों को ही बचा लिया शिवानी। मैं तो आज बहुत डर गया था कि मैं किसी को खो दूंगा शिवानी, मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। तुम्हें थैंक्स कैसे कहूं समझ नहीं आ रहा, तुमने मुझ पर उपकार किया है शिवानी, बहुत बड़ा उपकार किया, थैंक यू सो मच। ओह, माँ और बच्चे की जान तो बच गई, अभी अपना वादा पूरा करेगा या नहीं ये सोच रही हो ना? हाँ पूरा करूंगा शिवानी, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैं वैसा ही करूंगा। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम जो मांगोगी मुझे देना होगा, तुम्हें जो भी चाहिए है मैं जरूर तुम्हें दूंगा। शिवानी जल्द से जल्द तुम्हें इस बंधन से मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। मैं कह रहे हो जो तुम चाहती थी वही तो कह रहा हूँ मैं शिवानी, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, तुम्हें अपने सर पर लगे पत्नी के धब्बे से मुक्ति चाहिए थी, है ना? अब मैं वही तो करने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अब से तुम अपने जीवन में खुश रह सकती हो, जल्द से जल्द तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ओके मेरी दोनों जानों को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, थैंक यू सो मच। Congratulations, त्रिविक्रम। Congratulations. Why, mom? तुम फिर से भाई बन गए हो, मधु को बेटी हुई है।
ये आप क्या कह रही है मॉम? बच्ची? हाँ, सब यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। और देर मत करो, जल्दी आ जाओ। ठीक है मॉम, अभी आया। ये छोटी बच्ची, त्रिशूल क्या कम था जो ये भी आ गई? वाह, बहुत अच्छे। एक तरफ वो त्रिशूल और दूसरी तरफ वो बच्ची। मामा मामा मामा, एक मिनट। क्या हुआ? ये सुनिए, त्रिवेणी, ये कैसा नाम है? त्रिशूल त्रिवक्रम त्रिवेणी, अच्छा है ना? किसके लिए नाम ढूंढ रहे हो बेटा? और कौन माँ, माँ की बेटी हुई है ना, उसके लिए। बच्ची के लिए अभी से नाम ढूंढ रहे हो? अरे माँ, क्या आप भी? त्रिशूल अभी बच्चा सिर्फ एक दिन का है, उसके लिए इतनी जल्दी नाम कैसे सोच सकते हैं? मामी, अभी नाम ढूंढना शुरू करेंगे तो जाकर बाद में कोई अच्छा नाम मिलेगा, आप ये सब नहीं समझेंगी। दादी दादी, त्रिशूल, नामकरण से पहले कई सारे रस्म होते हैं। पालने में डालने की रस्म और दो तीन और रस्म होते हैं, इसके बाद ही नाम रखा जाता है। त्रिशूल, ये तो वही बात हो गई, गाय का ठिकाना नहीं और तुम्हें मिल्क सेंटर खोलना है। लेकिन दादी, तुम इस सब की चिंता मत करो, हम सब है ना? माँ, मुझे भी काम दीजिए, मुझे भी करने। हम जो कुछ करेंगे उसे देख के तुम सीख लो, आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। मुझे मुझे क्यों? बेटा, तुम्हारी भी तो शादी हो गई है और जल्दी तुम भी बाप बन जाओगे, इसीलिए। दादी, अपनी माँ को दादी बनाना नहीं चाहती क्या? तुम्हें भी बाप बनना ही पड़ेगा। हाँ। देखो शिवानी, मैं तुम्हारे पति के सामने ही कह रही हूँ, मैं मेरे परपोते का मुंह देखकर ही दुनिया छोड़ूंगी। अब तुम दोनों देर मत करो, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। चुप हो जाइए दादी। क्या आप भी, बात इस बच्ची की हो रही है और आप और कुछ ही बोलने लग गई। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही अच्छा सा नाम ढूंढ लूंगा। त्रिशूल, मैं उसके सामने जाऊं कि नहीं? अगर उसने कुछ कहा तो, कहीं उसे मुझ पर शक हो गया तो? अरे रे रे, नहीं भाई, उसके सामने ही नहीं जाता हूं। ए भगवान, और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ, आपने चेहरा क्यों छिपाया है? क्या चेहरा छिपाने से प्रसाद ज्यादा मिल जाएगा? ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। आप हैं? अरे, आप यहाँ कैसे? ऐसे ही आए हो? भगवान? हाँ, मंदिर में भगवान के दर्शन करने ही आते हैं, लेकिन आप, मैं जिस मंदिर में जाती हूँ उसी मंदिर में क्यों आ जाते हैं? अरे, आपको बोलना नहीं आता क्या? आता है। ओह, लड़कियों से शर्माते हो? 21st सेंचुरी के लड़के होकर लड़कियों से बात करने में शर्माते हो? मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ। प्रसाद चाहिए? देती हूँ। बचा हुआ प्रसाद घर वापस ले जाना अच्छा नहीं होगा। क्या करूँ? ये लड़का है ना? प्रसाद अच्छा है ना? थोड़ा सा प्रसाद बच गया है, आप इसे भी खा लीजिए ना। मैं? आपने यहाँ सबसे जल्दी में प्रसाद खा लिया, तो आप इसे भी खा लीजिए ना, प्लीज। घर, माँ, बाप। ये कौन है भगवान? डरपोक के सरदार। क्या तुम मेरी जिंदगी में आओगी? विल यू मैरी मी शिवानी जी?
मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है, अब तुम मेरी पत्नी ही रहोगी। मैं कर नहीं, थैंक्स। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। अब तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं, तुम इस सब में मत पड़ो, मैं माँ से मांग लूंगा। शिवानी कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, बाहर जाना है। क्या हुआ अजीत, क्या बात है? पिताजी मैं उस लड़की का पीछा कर रहा था और उसके चलन का परीक्षण भी कर रहा था, फिर भी मैं उसे बात तक नहीं कर पाया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, आपको पता है मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा था, ऐसा लगता है शब्द ही कम पड़ जाते हैं। ये तो स्वाभाविक है, इसका मतलब तुम्हारे दिल में प्यार जग रहा है, यही बेचैनी आगे जाकर सच्चा प्यार बन जाएगी। अब मुझसे ये सब नहीं होगा पिताजी, मैं उसे ठीक ठाक तरीके से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी इस प्यार करने के बजाय किसी को मारने को कहिए ना। तुम्हें उसका विश्वास जीत कर उसे प्यार में फंसाना होगा, एक बार वो तुमसे प्यार करने लगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसे अगर मुझ पर शक हो गया तो? इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, एक बार वो तुमसे प्यार करने लग जाए तो फिर तुम्हारी गलती भी उसे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्यार अंधा होता है और प्यार में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। मतलब अगर तुमने उसका दिल जीत लिया तो वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम अगर उसे अपने प्यार में फंसा लोगे तो हम उन नागों से अपना बदला ले सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा अजीत। त्रिशूल, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन कुछ कमी लग रही है। वो क्या? अब देखो परफेक्ट दिख रही हो। जो लड़कियां साड़ी पहनती हैं वो बालों में फूल लगाकर बहुत सुंदर दिखती हैं। ये परफेक्ट है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ त्रिशूल, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत दिन हो चुके थे। सिर्फ इतने में ही खुश हो गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो क्या? सब कुछ यहीं पे जानना चाहती हो क्या? चलो मेरे साथ शिवानी, बाहर बहुत कुछ है, चलो आओ। ये देखो शिवानी। ये क्या है? इसे हम दोनों को मिलकर उगाना है। क्यों त्रिशूल? हमारे प्यार की निशानी के लिए। त्रिशूल अचानक इतना कैसे बदल गया? इसने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया क्या? चलो।
हम दोनों के प्यार की निशानी है। इस पौधे को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। हमारा प्यार कभी एक नहीं हो पाया, ये सबको पता चलना चाहिए। त्रिशूल, अब तो मुझे बता दो, आज कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहा ना कि सरप्राइज है, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो, थोड़ी देर में जान जाओगी। चलो शिवानी। शायद ये आज अपने प्यार का इजहार करने वाला है। हे महादेव, आखिरकार मेरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी एक मिनट, एक मिनट। बोलो त्रिशूल। बस एक ही? ओह, भूल ही गया था। टंटन, ये लो। क्यों त्रिशूल, अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अपने प्यार का इजहार करो, मैं वो सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। त्रिशूल जल्दी बोलो। त्रिशूल क्या? अच्छा, क्या बोल रहे हो शिवानी? तुम्हें सच में नहीं पता? अरे सच में नहीं पता? ओ बाव, यही कि हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम्हें सीधे वहीं ले जाता हूँ, ओके ना? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। शिवानी आओ बैठो। शिवानी, शिवानी, सांप, शिवानी, 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 डरना मत। सॉरी शिवानी, वो वहां पर सांप था। कोई बात नहीं शिवानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट लगी भी तो कोई बात नहीं। हाँ, क्या कहा? हम कुछ नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। ये सब उस सांप की वजह से हुआ। कहाँ गया वो सांप? वहाँ, उसे तो आज जाने नहीं दूंगा। आज तो मैं तुम्हें। त्रिशूल, त्रिशूल, क्या कर रहे हो तुम? उस सांप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? शिवानी, उस सांप की वजह से हम दोनों वहां गिर गए। तुम गलत समझ रहे हो त्रिशूल, वो हम दोनों को एक करना चाहता था। एक करना चाहता था है? शिवानी तुम बकवास मत करो प्लीज, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल प्लीज, उसे उसे कुछ मत करो। आज सुबह से तुम सिर्फ वही काम कर रहे हो जिससे मुझे खुशी मिली। अब इस सांप को मारकर तुम मुझे दुख मत पहुंचाओ त्रिशूल। ठीक है, तुम कह रही हो तो जाने देता हूं। तुम यहाँ हम दोनों को एक करने के लिए ही आए हो ना? हम दोनों जल्दी एक हो जाएंगे। त्रिशूल मेरे प्यार को जल्दी स्वीकारेगा। त्रिविक्रम को पालने का सौभाग्य हमारी किस्मत में नहीं था, इसीलिए तो भगवान ने हमें एक और बच्चा दिया है। सही कह रही हो। आओ मेरे पोते, वहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए ही तो मैंने पुनर्जन्म लिया है। देखिए जी, हमारी बेटी कब से खिड़की की ओर देख रही है। हे, कौन है वहाँ, किसे देख रहे हो? सुनिए जी, कहते हैं बच्चे भगवान को देख सकते हैं, और भगवान जी बच्चों के साथ खेलने भी आते हैं, इसलिए बच्चे हंसते रहते हैं, ऐसा मेरी दादी कहा करती थी।
ओहो, और क्या कहती थी तुम्हारी दादी? सब औरतें एक जैसी होती हैं। कहीं की बात कहीं और जोड़ देना, उनकी आदत में होता है। ले 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 ले, आजा आजा, देखना ये हम सबसे बहुत प्यार करेगी। प्यार माय फुट, अगर मेरे हाथ ये लग गई ना तो मैं तेरे से मार दूंगा। अगली बार इस घर में कभी नहीं आऊंगा। त्रिशूल, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ऐसे ही। बात क्या है त्रिशूल? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कुछ बता ही नहीं रहे। बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों इतनी आतुरता है? हाँ बहुत है त्रिशूल, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं दिख रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी, तुम्हारी बातों में ये उत्सुकता, सब कुछ बहुत अलग है। जिंदगी में पहली बार एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ शिवानी, खुश तो होना ही चाहिए ना? रिश्तों को बचाने की खुशी अलग ही होती है त्रिशूल। आखिरकार तुम समझ ही गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे मुंह से वो तीन शब्द सुनने के लिए बेचैन हो रही हूँ मैं। इतनी बेचैनी शिवानी? तुम वो तीन शब्द कहोगे, उसी का जीवन में इंतजार है, बस वही मेरी इच्छा है। तुम जो तीन शब्द सुनना चाहती हो वही कहने के लिए तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ मैं। प्लीज अब बोल भी दो ना त्रिशूल, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं वही बोलूंगा। नहीं, तुम्हें यही बोलना होगा। ठीक है शिवानी, मैं। हाँ तुम बोलो ना त्रिशूल। तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। मैं अभी तुम्हें लॉयर के ऑफिस लेके जा रहा हूँ शिवानी। वहां जाकर डिवोर्स के बारे में बात करके कल कोर्ट जाकर हम डिवोर्स ले लेंगे। तुम्हारे गले में मैंने जो मंगलसूत्र जबरदस्ती बांधा था उससे छुटकारा दिलाऊंगा। त्रिशूल, ये तुम क्या कह रहे हो? डिवोर्स? क्यों शिवानी, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैं सच में डिवोर्स दे रहा हूँ तुम्हें। तुम भी यही चाहती हो ना? तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। चलो शिवानी। मैं नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? नहीं कहा तो नहीं आऊंगी। अरे जब डिवोर्स देने के लिए मैं खुद तैयार हूँ तो फिर अब तुम क्यों मना कर रही हो? त्रिशूल, तुम कम से कम मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। अरे इसमें मौका देने की बात कहाँ से आई शिवानी? एक बार ये डिवोर्स हो जाए फिर तुम आजाद हो जाओगी और मैं भी आजाद हो जाऊंगा। दोनों की जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, मान जाओ शिवानी। अभी वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ना मैं वहाँ नहीं आऊंगी त्रिशूल। ठीक है शिवानी, 10 मिनट का टाइम ले लो। कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद देना चाहिए ना। यहीं पास में एक मंदिर है, मैं आशीर्वाद लेकर आता हूँ, तब तक तुम विचार करो। शिवानी तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे महादेव के वरदान देने पर भी तुम दुखी दिखाई क्यों दे रही हो? आदिशेष कहाँ है? महादेव ने जो मुझे वरदान दिया था उसका उपयोग मैंने आदिशेष पर नहीं किया। ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? त्रिशूल की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने महादेव के वरदान का उपयोग कर दिया। जीवन और मौत के बीच लड़ते हुए उसकी माँ की जान को वरदान ने बचा लिया। ये दया भाव तुम नागलोक वालों के लिए गलत है। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आदिशेष को मैं कैसे हासिल करूँ कुछ पता नहीं चल रहा। वरदान का उपयोग तुमने जान बचाने जैसे पुण्य काम के लिए किया है शिवानी, यही पुण्य तुम्हारे भविष्य में फलदायी सिद्ध होगा। पर अब मैं अपने आदिशेष को कैसे हासिल करूँ? जो प्यार वो भूल चुका है उसे मैं कैसे वापस याद दिलाऊँ वासुकी देव? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है शिवानी, आने वाली मुसीबतों का सामना कर तुम्हें उसे अपने प्यार के बारे में याद दिलाना होगा। त्रिशूल अगर मेरे साथ होता तो मैं ऐसी कई मुसीबतों का सामना कर लेती, लेकिन वो हर पल मुझ पर गुस्सा करता रहता है, मुझे ताने मारता है। मैं यहाँ उसे पाने के सपने देख रही हूँ और वो सिर्फ मुझसे दूर होने की बातें करता है। इतनी सारी परेशानियों के चलते
मैं उसे कैसे हासिल करूंगी, कैसे? परेशानियां तो भगवान का भी पीछा नहीं छोड़ती, तो तुम तो फिर भी एक नागिन हो। महादेव और माँ पार्वती के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन माँ पार्वती ने परेशानियों का सामना कर महादेव को हासिल किया था। तुम्हें भी यही करना होगा। क्या क्या ये मुझसे हो सकता है? तुम भी उसी कुल से होने के कारण तुम ये अवश्य कर सकती हो शिवानी। हिम्मत मत हारना, प्रयत्न करते रहना और त्रिशूल को अपना बना लेना। तो बताओ, नामकरण की तैयारियां हो गई? जी, सब तैयारियां हो गई, लेकिन बच्ची का बड़ा भाई त्रिविक्रम अब तक नहीं आया। मैंने उसे फोन किया था मालकिन, लेकिन उसने उठाया नहीं। अरे वो उस घर में टाइम से वापस नहीं आता, इस घर में आएगा। हेलो डैड। तुम कहाँ हो, इतनी देर में आओगे? कहाँ डैड। ए, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मधुमती को बेटी हुई है, जानते हो ना? दमयंती ने फोन किया होगा। हाँ डैड, किया था। तो फिर आए क्यों नहीं? आ रहा हूँ डैड। मुझे दीजिए त्रिविक्रम, ये रस्म बच्चे के भाई को ही करनी होती है, जल्दी आओ। मॉम, मुझे आने में देरी हो सकती है, मिनिमम 2 घंटे लगेंगे, मेरा वेट मत कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे दो। त्रिविक्रम, ये क्या बात हुई? अरे तुम्हारी वजह से सारी रस्में रुकी हुई हैं। भाई के तौर पे तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। ठीक है दादी, आता हूँ। हाँ ठीक है, ये लो, वो आ रहा है। वैसे बच्चे को शक्कर का पानी पिलाना है, वो त्रिविक्रम को ही करना होगा। मुझे लगता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुहूर्त भी निकला जा रहा है। त्रिशूल, तुम ही ये रस्म पूरी करो। तुम भी कर सकते हो, वैसे भी त्रिशूल भी मधुमती का ही बेटा है ना। आओ जी बड़े भैया, बच्चे को शक्कर का पानी पिलाओ। अकेले क्यों, पति पत्नी साथ में पिलाओ। शिवानी तुम भी पिलाओ। मुझे तेरे हाथ से शक्कर वाला पानी नहीं पीना। अपने पोते के हाथ से ही पानी पीऊंगी। ये क्या भैया, बच्ची ने चेहरा क्यों घुमा लिया? ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है कि बच्ची अभी मुझे जानती नहीं है ना, इसीलिए। ओए प्यारी बहना, मुझे पहचाना नहीं तुमने? अरे यहाँ देखो त्रिशूल भैया। सुनिए जी, सिर्फ त्रिविक्रम ही नहीं है, बाकी सब यहाँ मौजूद हैं। वो भी आ जाएगा, एक बार नामकरण हो जाए उसके बाद बात करेंगे। शिवानी यहाँ क्या कर रही हो, बड़ी शांत दिख रही हो। हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। शिवानी यहाँ देखो। अरे शिवानी तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या, बात क्या है? रोने जैसी क्या बात हो गई शिवानी? ओह ये तुम्हें दुख हो रहा है उसके लिए, ये तुम्हारे दुख के आंसू नहीं है ना, ये तो खुशी के मारे वो क्या कहते हैं उसे, फूले ना समाना, मतलब ये तो खुशी के आंसू है ना।
तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम बहुत खुश हो ना। हाँ शिवानी, तुम्हारी इसी खुशी को मैं डबल डबल कर दूंगा। क्या सोच रही हो तुम? तो चलो अभी मेरे साथ लॉयर के ऑफिस जाते हैं और डिवोर्स लेते हैं। ये खुशी के आंसू तुम बाद के लिए बचा के रखो शिवानी। आओ चलो 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 मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो त्रिशूल। क्या हुआ शिवानी? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? बताए तो सही, लॉयर के ऑफिस। क्या मैंने तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए कहा है? क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? लेकिन तुम यही तो चाहती थी ना शिवानी, फिर दोबारा तुमसे क्यों पूछूं? जो तुम्हें लगता है हमेशा वही सही नहीं होता है त्रिशूल, सारे निर्णय तुम अकेले नहीं ले सकते। शिवानी, हमने उसी दिन तय किया था, तुम तो ये पहले से जानती हो। तब बात अलग थी और अब अलग है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं चलोगी? क्योंकि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तुम डिवोर्स के लिए मना क्यों कर रही हो? त्रिशूल अपना ये नाटक बंद कर दो, अब तो मेरी बात को समझो। तुमसे डिवोर्स लेना मेरी इच्छा नहीं थी। तो इसके अलावा और क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा प्यार चाहा था। मेरी इच्छा थी कि तुम मुझसे वापस पहले जैसा प्यार करो। अरे वाह, सारे मेहमान चले गए, लगता है सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। त्रिविक्रम, पिताजी, तुम कहाँ थे बेटा, अब तक इतना लेट आ रहे हो? पिताजी वो एस्टेट में थोड़ा काम था, इसलिए देरी हो गई। सारा काम आज ही करना था क्या? सॉरी पिताजी। छोड़, आओ बैठो। मधु, ऐसा क्या काम था? इसे तो पहले यहाँ आना चाहिए था ना। अब जाने भी दो मधु, अभी भी आया है ये। ये लो। माँ रहने दो। क्या हुआ? अरे तुम भाई हो उसके, लो ना। त्रिविक्रम, तुम्हें इसे शक्कर का पानी पिलाना है। पकड़ो, मैं शक्कर का पानी लाती हूँ। ये लो शक्कर का पानी पिलाओ। जिंदगी का खेल देखकर तो लगता है कि मैं खुद जहर पीकर मर जाऊं, और मैं हूं कि इसे शक्कर का पानी पिला रहा हूं। मां, जरा इसे पकड़ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। जल्दी आ जाऊंगा पिताजी। इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ बेटा? भैया को जाने नहीं देना चाहती इसलिए हाथ पकड़ लिया। भैया तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इनका नाटक फिर शुरू हो गया। यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। आखिर इसने मेरा हाथ इतने जोर से क्यों पकड़ रखा है? मैं इससे अपना हाथ छुड़ा क्यों नहीं पा रहा? इस छोटी सी बच्ची में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? वो अपनी माँ से ज्यादा तुम्हें प्यार दिखा रही है। लो उसे, लो ना। सुनिए, मुझे रसोई में बहुत सारे काम है। त्रिविक्रम इसका ध्यान रखेगा, आप मेरे साथ आइए। हाँ। अब ये बच्चे का नया नाटक शुरू। क्या बातें कर रही हो शिवानी? यहाँ घर वाला कोई नहीं है। जो बातें घर वालों के सामने की जानी चाहिए वो तुम उनके ना होते हुए क्यों बोल रही हो? लगता है तुम कंफ्यूज हो गई हो। बस करो त्रिशूल,
बस करो। मैं चाहे कुछ भी कह लूं, कुछ भी कर लूं, तुम बस अपनी ही मनमानी करते रहते हो। एक बार भी तुमने मेरे दिल में क्या चल रहा है क्या ये जानने की कोशिश की? कभी मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश की है तुमने? शिवानी, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, अपने आप को सब... मुझे संभलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हें दोबारा मुझसे प्यार करना होगा बस। जब कोई पसंद ना हो तो उससे प्यार कैसे होगा शिवानी? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें परेशान किया, आखिरकार तुम्हारी सहमति के बिना शादी करी, तब से ही तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। मैं पागल था शिवानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया, मैंने गलती कर दी थी। मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा हूँ शिवानी। नहीं त्रिशूल, नहीं, आज तक कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो ना, उससे सब बर्बाद हो जाएगा। तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या? नहीं। ऐसे रहकर हम जिंदगी बिता सकते हैं क्या? नहीं। ये हम घर वालों से ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते शिवानी, मुझे जिंदगी में थोड़ी शांति चाहिए शिवानी, मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए। मेरे और तुम्हारे दूर होने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम दोनों का रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। तुम मुझे अपना दुश्मन मानती थी ना, अब तुम भी मुझे मेरी दुश्मन लग रही हो। दुश्मन अगर साथ रहे तो सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, ये मुझे नहीं पसंद। बेटर हम दोनों अलग हो जाते हैं। अरे त्रिशूल, देखो अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन अब समझ में आ गया है, उस भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। त्रिशूल, त्रिशूल, हम दोनों का प्यार बहुत ही पवित्र है। हम दोनों का यहाँ आने का उद्देश्य ही कुछ और है। मैं